क्या बनाते हो आप जो बना रहे हो चल जा रहा है ऐसा क्या क्या मतलब जितना ज्ञान मुझे है चीजों में मैं चाहता हूँ कि सब में ऐसे तो नहीं बोल रहा इस, बोल इसका बोल सोर्स क्या है यहाँ से देख के चीज बताई करेक्ट सर हम कॉन्टेंट कहा अकेला टीम वर्क की तो जरूरत पड़ती है इतना न्यूज में आज नहीं पता लगता जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रह गया दुनिया के बारे में पता लग जाता है साल पहले मैं एक ट्राईपोर्ट यूज करता था वन नाइन कुछ का मंगाया था मैंने आपके कॉन्टेंट में दम होना चाहिए और मतलब बिजनेस सेंस भी बहुत तगड़ा है इनके पास एक लाख व्यूज आएंगे तो आप एक प्लेट मोमोज की खरीद सकते हो इतने पैसा सो so, दोस्तों वेलकम टू वी मे क्रिएटर्स आज हमारे साथ हैं शिवम मलिक भाई वेलकम टू द चैनल थैंक यू दैनल हमें बुलाने के लिए। अरे रे, में बुलाने के के लिए लिए अरे हमें घर की बात है और दूसरी बात बहुत अच्छे रिलेशन से बहुत सारी चीजें हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और घर वाली बात है तो क्या बुलाना और क्या जब्मर जी आपका घर है यार जबर जी आप आ जाओ अब आज ना थोड़ा सा हम ये भाई डिस्कस करने वाले क्योंकि मुझे पता है इंडिया में नंबर वन हो आप शॉर्ट्स में है ना नहीं नहीं नंबर वन वो आप इंस्टाग्राम पे पांच मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं आपके और यूट्यूब पे भी सात मिलियन क्रॉस कर दिया आपने फोर पॉइंट वन और 4, हा, हा, हा। इंस्टा पे और सेवन पॉइंट टू अभी मैं देख ही रहता हूँ इतने फॉलोअर इतने व्यूअरशिप और इंस्टा फेसबुक छोड़ो यार गली में घुसते हो आप मेरी गली में चार बंदा यार है ना, ना। ये जो प्यार है ना ये चाम है ये शॉर्ट्स में जो आपको मिला मुझे ये, ये प्यार मोटिवेशन देता है मुझे ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट्स बना पाऊँ और मेहनत कर पाऊँ क्योंकि ये चाम ना मैं टेक्निकल बात बना चाहता हूँ और बहुत कम क्रिएटर्स को मिल पाया शॉर्ट्स में

ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आजकल okay. क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूं वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे नहीं होती सबसे पहला मेरा मानना ये है कि जैसे यहाँ हम रूम में हैं हम रूम में सौ बंदे खड़े हैं मेरा ऐसे दिमाग में ये चीज नहीं आती कि सिर्फ दस बंदों के लिए मैं वीडियोस बनाऊ मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि मैं सौ के सौ के लिए वीडियोज बनाऊ की सबको कुछ ना कुछ मैं दे सकू की खाने से रिलेटेड बात करता है कि अगर किसी को गोलगप्पे पसंद है तो किसी को पाव भाजी भी पसंद होगी किसी को छोले भटूरे पसंद किसी को दाल चावल पसंद होगी तो मैं सारे का सारा खाना लाके उस रूम में रख देता हूँ मतलब मेरा सारे कंटेंट मैं बनाता हूँ अलग अलग तरीके के तो वो इस वजह से वीडियो मेरी वायरल होती है इस वजह से चलती है की कि वो किसी ना किसी को तो पसंद आएगी अब तो मैं एक ही टॉपिक पे बनाऊंगा स्टॉक मार्केट पे मैंने बनाया आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें स्टॉक मार्केट में आप क्यों देखोगे या और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है

और ज्यादा सीखता हूँ और वो सारी प्रेजेंट करता हूँ ऑडियंस के आगे हाँ और मैंने देखा है आपके वीडियोस में जो मेरी स्टडी रही है कि जब भी आप वो लाइक वीडियोस बनाते हो तो आपका ना एक दो, दो है कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक न्यूज है वो आप न्यूज पेपर लगा के जो कट्स होते हैं उसको हांजी आप हांजी। मेंशन करते हो इससे थोड़ा एक ट्रस्ट भी बढ़ता है ट्रस्ट हां। कि कि जब आप बोल रहे रहा तो ऐसे तो नहीं बोल रहा तो है इस, इसका रहा। सोर्स क्या है करेक्ट तो, तो सोर्स भी देना बहुत जरूरी है जो तीसरी चीज मुझे समझ आ रही है कि सोर्स देना बहुत जरूरी है जो मतलब कहाँ से आपने वो चीजें उठाई है क्या चीज दिया है जिससे लोग बार बार देखते हैं कहते हैं यार ऑथेंटिसिटी है क्योंकि मैं कोई न्यूज चैनल तो मेरा खुद का है नहीं बट मैं जहां से देख रहा हूँ किसी न्यूज चैनल से देख रहा हूँ वो सीधा के सीधा आर्टिकल की लिंक वन सीधा सीधा वो फोटो वहां पे लगा दू कि जनता को लगे कि ये इसने यहाँ से देख के चीज बताई करेक्ट है भाई तो एक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि यार content, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ लोग ये पूछेंगे आपसे और हमसे भी कि सर हम कॉन्टेंट कहा से ले मतलब जो हम वीडियो बनाते हैं ये कॉन्टेंट कहा से मिलेगा जनरली हमें शॉर्ट्स का कॉन्टेंट कंटेंट्स आपको बहुत जगह से मिल सकता है अलग अलग तरीके से मिल सकता है एक तो आप अपनी जैसे खुद अपने जिंदगी जी रहे हम हैं, बैठे हैं कमरे में बाहर घूम रहे हैं तो नॉर्मल दुनिया को देखो अपनी लाइफ में रही क्या रही प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप किस चीज से डिमोटिवेट हो रहे हो दूसरे लोगों से रिलेट कर पाओगे अगर आप उनकी जगह अपना आपको रख के देखोगे की ये चीज हो गई जैसे मैं मोटा हो गया यार मैं पतला कैसे हूँ या मैंने और किसी को देखा वो हेल्दी है वो हेल्दी कैसे हो तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो सामने वाला सोच रहा होगा तो ये हो सकता है या ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स टॉपिक्स हो गए गूगल पे लिख के देखता रहता हूं, मैं ट्रेंडिंग ग्रिक टौपिक्स ग्रिक टौपिक्स क्या है और मैंने न्यूज एप्लीकेशन भी बहुत सारी डाउनलोड की हुई है उस एप्लीकेशन में भी दिखाई देता है बाकी मेरे पापा भी बीच बीच में मेरी हेल्प करते रहता है आपके आसपास अच्छे लोग हो तो वो भी आपकी हेल्प करते रहेंगे क्योंकि अकेला टीम वर्क की तो जरूरत पड़ती है और राइट खुद भी आप दिमाग चलाओगे अगर दस परसेंट सामने वाले ने भी दस चला दिया तो मिलके बीस हो जाएगा करेक्ट है तो मतलब हम इसको समा भी कर पा रहे हैं कि आपका जो लाइक न्यूज सोर्स है कहाँ से आप चीलें देखो तो आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ दूसरा हो गया न्यूज, न्यूज पढ़ते हैं या न्यूज एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी है डेली न्यूज आते हैं बाकी सोशल मीडिया पे एक्टिव है इतना न्यूज आजकल नहीं पता लगता जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है दुनिया के बारे में पता लग जाता है करेक्ट है है करेक्ट तो बेसिकली सोर्स ही है मतलब लोगों को लगता है है कि शिवम मल्लिक के पास कोई जादू का फॉर्मूला है पिटारे से, से निकाल ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है सोर्स नहीं। आपकी डेली लाइफ में ही है पर अगर आप ध्यान देना चाहो उस चीज पर ध्यान आपका कहीं दस नहीं दे रहे तो फिर वो चीज नहीं हाँ। चलेगी कंटेंट है, है। के लिए सोच रहा तो मिल जाएगा मुझे करेक्ट तो बेसिकली कंटेंट भी हमें मिल गया कैसे ऑडियंस ढूंढनी है बनानी है वो भी चीज समझ आ गई दूसरा एक और है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा हाई एंड टेक्नोलॉजी लैपटॉप की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा क्या आज तक भी मेरे पास मतलब एक साल पहले मैं एक ट्राईपोड यूज़ करता था वो वन नाइन कुछ का मंगाया था मैंने और उस पर भी टूट गया था वो भी ऐसे टेप लगा रखे <laughs> मैंने प्रॉपर तरीके से <laughs> उस पर वीडियोज़ बनाता था मैं आईफोन सिक्स था मेरे पास पहले जब मैंने वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी थी तो आपके कॉन्टेंट में दम होना चाहिए आ, कैमरा क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है पर अगर स्टार्टिंग के दिन है तो ऐसा मत सोचिए कि जब मेरे पचास हजार का कैमरा होगा जब भी मैं स्टार्ट कर पाऊंगा तो शुरुआत मोबाइल जो उनके पास है दस बारह हाँ हाँ, का। हाँ आपके कंटेंट में दम होना चाहिए और बाद में धीरे धीरे आप पैसे कमा रहे हो अगर तो ठीक है किया मैंने आपका देखा सेटअप पहले एक सेटअप था फिर दूसरा सेटअप में देख रहा हूँ धीरे धीरे है धीरे धीरे करके वो जो पैसे आप कमा रहे हो ऐसा नहीं है जेब में रख रहे हो या अपनी अयाशियों में उड़ा दिए उन्हें अपने चीजों में काम में इन्वेस्ट करिए कि वो और काम आपका बढ़ पाए परफेक्ट अब ये बहुत अच्छी चीज आपने बता दी अब एक बहुत लोग जानना चाहते हैं पैसा कितना और कहाँ से मतलब शॉर्ट्स क्रिएटर कहाँ कहाँ से पैसे बनाते हैं मैं थोड़ा जानना चाहता कि एक ओवरव्यू क्रिएटर्स जैसे कि आपने सुना होगा कि इंस्टाग्राम पे बोनस कर गे। करके गे। आ रहा है पर वो हर एक आईडी पे नहीं आया किसी किसी आईडी पर आ रहा है अभी वो टेस्टिंग फेस में राइट बोनस से आ सकता है आगे जाके आएगा और अभी तो स्पॉन्सर से वीडियो अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं हम तो हमने अपने फॉलोअर्स के हिसाब से रीच के हिसाब से हमने पैसे डिसाइड किए हुए हैं कितना हम ब्रांड को बोलेंगे जैसे आपकी जूते की कंपनी है तो मैंने बोला आपके जूते का प्रमोशन कर देंगे एक लाख लोगों को आपका जूता दिखाएंगे आप मुझे एक लाख रुपए दे दो आपको दस लाख बन जाएंगे आप भी कुछ मैं भी कुछ और यूट्यूब मतलब बिजनेस सेंस भी बहुत तगड़ा है इनके पास भाई एक रुपए भी दे रहा है ना चलो एक बंदे को जूता दिखाना है एक रुपये में दिखा दूंगा अगर उसने खरीद लिया तो पाँच सौ जूता बिखाया और आपके भी कितने जूते बिक जाएंगे करेक्ट है और मुझे भी पैसे समझा भी देते हैं स्पॉन्सरशिप दोनों के घर में रोटी आ गई <laughs> और YouTube की अगर बात करें तो शॉर्ट फंड पहले बट अभी ये चीज जानने के बाद YouTube के व्यूज से पैसे आने लगे शॉर्ट वीडियो से ओके okay. तो शॉर्ट वीडियो से पैसे आने लगे तो अब उससे भी पर इतनी ज्यादा कमाई नहीं है जितनी स्पॉन्सरशिप से होती है मतलब ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में अगर यू यू कहे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी यूट्यूब की जो उन्होंने बोनस पॉइंट दिया जिससे काफी क्रिएटर को बोनस दे देगी शॉर्ट्स वीडियो मेरे हिसाब से बोनस पे ज्यादा पैसे आते थे ओके बोनस पे आते थे, थे अब जो लाइक हाँ, जो ये प्रोग्राम है आ, आ, उनके तहत बहुत कम पैसे आते हैं इतने नहीं आते करेक्ट अंडरस्टूड और वो मैंने देखे भी हैं और सारी चीज हम।, हम सब जानते हैं लोग कहते हैं हैं आजकल लाइक शॉर्ट्स दिखा भी देते लाख व्यूज आएंगे तो आप एक प्लेट मोमोज की खरीद सकते हो तो इतने पैसे <laughs> आते हैं लगा लेना अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कुछ बच्चे ऐसे सर हम तो जाके खाते हैं वहाँ पे लाइक कोई बड़ी सी एक रेस्टोरेंट है वहाँ भी तो ये समझते तो हम जो नॉर्मल एरिया में रहते हैं मतलब एक प्लेट की मोमोज नॉर्मली कितने एक दिन बात नहीं कर लेते हैं जैसे अगर चालीस रुपए की पचास साठ हाँ साठ सत्तर की साठ रुपए की साठ रुपए की मोमोज आती है मतलब साठ रुपए बन रहे हैं आप के एक लाख व्यूज के तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लो दिस इज <laughs> बट बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ व्यूज नॉट इम्पोर्टेंट है सर स्पॉन्सरशिप भी तो इसी वे में आ रही है है ना सर और मैं बता रहा हूँ मेरी तरक्की का सबसे बड़ा रीजन मैं बता रहा हूँ आज मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे साठ रुपए मिलेंगे मुझे एक मिलेंगे हमेशा मेरे दिमाग में एक कंपटीशन बना रहा है कि अगर सामने वाला मेरे जैसी वीडियोस जो बनाता है सोशल मीडिया पे जो भी है अगर वो दिन की दो वीडियो डाल रहे हैं ना तो मैं आज दस वीडियो डालूंगा पैसे जीरो चाहिए नहीं चाहिए मुझे ये बात मैंने आपकी ना कई बार चाहिए की हाँ की लोग आके मुझसे मिल रहे हैं प्यार दे रहे हैं पैसे की ऐसा नहीं है ठीक है फैमिली की उससे तरफ से भी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मोमोज हम खुद भी खरीद के खा सकते हैं <laughs> पैसे आए नहीं आए ठीक है पर वो चीज वो शांति मिलनी चाहिए करेक्ट है हाँ। ये बात आपने हमारे इंटरव्यू जो महात्मा की था उस टाइम भी आपने हाँ 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 कॉम्पिटेटर तो कई बार रिपीट करा की जब मलिक मेरे आए थे उन्होंने ये बात कही थी यार अगर कोई पर्सन के एक बना रहा है तो तुम तीन बना रहे हो इट तुम उससे आगे चल रहे हो जी 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 तो ये बेस्ट पार्ट है बहुत अच्छी डिटेल में आपने समझाया और आई होप की जो लोग कुछ नए हैं मुझे नहीं पता नए तो होंगे ही नहीं सभी आपको जानते होंगे लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनका चैनल

आई होप कि इनका चैनल लाइक जो लोग अभी अभी नए हैं और आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और शॉर्ट्स वीडियो से काफी कुछ नॉलेज मिलती है आप उनको सीखिए और दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करिए हाँ। दोनों अच्छी करते नहीं है लोग लो चलो तुम्हारा जो कर लेना तो हाँ। so, ये पूरा हमने लिख भी दिया आप हाँ है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लोग देख रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार मैं ये चीजें सीख सकता हूँ और करिए और ऐसी वीडियो बनाइए और कॉमेंट्स में लिखे की कौन कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छी लगी है ना हाँ जी हाँ जी थैंक यू सो मच भाई यहाँ पे आने के लिए इतना कुछ डिटेल में बताओ पक्का पक्का बहुत यार काफी हाइट भी है आपकी मैं बड़ा छोटा सा दिख रहा हूँ उनके सामने आप तो, पी लिया था मैं नहीं। <laughs> और वीडियो में क्या है ना वीडियो से कम हाँ, पार्ट दिखता है लेकिन मस्त है बड़ा अच्छा लगा शुक्रिया बहुत थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच बाय बाय